डरो नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम अब बिल्कुल महफूज हो। कहां से आई हैं आप? सुन भी नहीं पा रही और ना ही बात कर रही है। एल्जिम खातून बहुत माहिर हैं तलवार चलाने में, माशाल्लाह। लेकिन आपसे बेहतर नहीं बाला खातून। आप जानती हैं कि काई कबीले की खवातीन काई के मर्दों से कम बहादुर नहीं हैं, चाहे वो जंग हो या फिर सियासत। इस कदर महारत से तलवार चलाना आपने किससे सीखा एल्जिम खातून? मंगोलों के खतरों की वजह से। हमारी परवरिश महलात में नहीं हुई औरहान साहब। जिसे अपनी तलवार को अच्छी तरह इस्तेमाल करना नहीं आता, वो जान की कीमत अदा करता है। बाला खातून, ये ना सुन सकती हैं और ना ही बात कर रही हैं। ये खातून अपने घर नहीं जा सकती, इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे अलचम खातून, इसको यानी शहर ले जाएंगे। ठीक कहा आपने बाला खातून, वरना काफिर तो मार ही देंगे इसे। खवातीन, खवातीन, आप सब ठीक है ना? आपको आजादी मुबारक हो, अब अपने वतन जा सकती हैं। हमारी खवातीन आपकी हर तरह से मदद करेंगी। शाबाश। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं वालिदा। हम सबको बहुत मोहतात रहना है बिच्छू के बिल में जाने के लिए। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मुश्किल जंगें खूबसूरत फतूहात लाती हैं एल्जम खातून। आ जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं। सब जलाकर राख कर दिया, सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया, लेकिन तुम लोग देखोगे हमारा रब हमें शानदार फतह से नवाजेगा, जरूर नवाजेगा। शहदा की तदफीन का इंतजाम करो और जो जख्मी है उनका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। जनाब, उस इमरान तैगिन ने करारगाह कैसे तलाश कर ली? हमारे दरमियान कोई तो गद्दार है, वही है जो खबरें उस तक पहुंचा रहा है, वरना वो यहां तक कभी ना पहुंच पाता। अब उसे लगता है कि हम लोग अदरनोस की तरफ बढ़ेंगे, तो ठीक है, उसे ऐसा ही सोचने दो। दुंदूस सरदार, मेरे सिपाही जंग के लिए हाजिर है उस्मान सरदार। बहुत शुक्रिया, जीत रही है। हर चीज जब जलकर राख हो चुकी है, आपके सिपाही हमारे लिए मशले राह है। आपके मकसद में साथ देना मेरे लिए शर्फ की बात है। मेरे सिपाही कितने ही थके क्यों ना हो, तुर्कों के इस्तकाम और काइयों के इत्तेहाद के लिए बहादुरों की तरह इस जंग में आपका पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। और हाँ, दोस्त कौन है मुश्किल दिनों में मालूम होता है। आपने बहुत साथ दिया है, अब बारी है कि अपने दुश्मनों को भी उनकी औकात दिखाई जाए, और हम ये करके रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो शानदार फतह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
ओलिविया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे आलगन। उस पर कड़ी नजर रखना, वो किससे बात ना कर पाए। उसकी हर हरकत पर नजर रखो। अगर कोई चालाकी की उसने तो हम अच्छी तरह से निमट लेंगे। मैं अपने फर्ज को किसी तौर फरामोश नहीं करूंगी, कड़ी नजर रखूंगी उस पर। यानी मुहासरा हटाने के लिए खुसूसी सिपाही ला रहा है वो इमरान तैगिन। ओलिविया खातून ऐसा ही कह रही थी, जबकि औरहान ने भी कुछ ऐसा ही कहा। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई खेल खेल रही हैं, या फिर हो भी सकता है। देख लेंगे हम उसे, देख लेंगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग को उलझाने वाली होलोफेरा है। वो यहाँ आई और हमसे मदद की दरखास्त की, तो गोया यह सब कुछ औरहान की मोहब्बत हासिल करने के लिए था। मैं आराम से नहीं बैठ सकती उस्मान साहब, अगर औरहान ना होता तो कभी उसकी बात पर राजी ना होती मैं। मैं जानता हूं महल से कैसे निकले। उनसे नजरें हरगिज मत हटाना। उनके हर उठाए गए कदम का तुम्हें इल्म होना चाहिए। किसी से कोई जिक्र मत करना। अगर इसमें कोई खेल हुआ तो उसे भी देख लेंगे। होलोफेरा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं बेटी? आजा मलहून खातून। तो तुम्हें हमारे लिबास में मलबूस देखना भी हमारे नसीब में था। इंसान सब कुछ कर सकता है मलून खातून, एक रात में सब कुछ उलट सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मगर मैसूर महल से बाहर निकलने में कामयाब होना हर कोई नहीं कर सकता ओलिविया खातून। वैसे यहां मेरा दिमाग कुछ उलझ सा रहा है। जब इमरान तेकिन आप दोनों को मारने ही वाला था, तो फिर आप दोनों यहां तक कैसे आ गईं? सालों उस कले पर हुकूमत की है मैंने। मेरा एक वफादार कमांडर है, उसने मदद की मेरी। कले में एक जगह है जहां हम फालतू सामान जमा करते हैं, वहां से फरार हुए, वरना महल के दरवाजे से हमारी लाशें निकलती। ठीक है, क्या आप इत्तेहाद नहीं कर रही थी? और बाज़ंतीनी जल्लाद को हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाली आप ही नहीं थी क्या? होलोफेरा, औरहान से आपने यही कहा था ना? हाँ बिल्कुल, मैंने यही कहा था। खाला नहीं बुलाया था। ये आदमी अब आप दोनों को क्यों मारना चाहता है, जबकि आपकी बदौलत वो सरहदी इलाकों में है? इमरान तेगिन एक शैतान है। मुझसे गलती हुई, अपने जल्लाद को खुद ही बुलाया। आप दोनों खुशकिस्मत हैं कि उस जल्लाद के चुंगल में फंसने से पहले ही आप लोग गफलत की नींद से बेदार हो गईं। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर एक मुआयदा करना चाहती हूं। उस्मान सरदार दुश्मन होते हुए भी नरमी से पेश आए। इजाजत दे हमें। बहुत नाजुक वक्त है ये। मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगी होलोफेरा। कितनी अजीब बात है ना, तुम मेरे कले का मुहासरा करने जाओ और मैं तुम्हारे घर में पनाह लूं। ये भी तुम्हारा ही घर है होलोफेरा। मेरा घर हो या तुम्हारा, एक ही बात है। तुम्हारे सिवा और किसी का आसरा नहीं है मेरे पास। होलोफेरा,
इस दिल में तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। चाहे जो देखा हो, जो भी सुना हो, ये तुम कभी मत भूलना। मेरे दिल में मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम कैदियों को ले आए हैं, दरवाजे खोल दिए जाएं। खोल दो दरवाजा। ध्यान से खवातीन को अपने पीछे लेकर आए। इतने खामोश क्यों हैं औरहान साहब? होलोफेरा कलिये में नहीं है इसलिए इतने खामोश हैं। वैसे भी अब तुम गुलाम नहीं रही हो एलजिम खातून, और जहां तक जहानत की बात है काफी जहीन हो। याद रखिएगा, ना गुलाम बनूंगी ना ही किसी की अतात करूंगी। शादी के मामले पर गौर से सोचिएगा। दरवाजे खोल दिए जाएं। चलिए। बहुत देर कर दी। हाँ ऐसा ही है, उन पर काबू पाना मुश्किल था इसलिए देर हो गई। तुम किस रास्ते से आए हो? इस इलाके को ज्यादा नहीं जानते हैं, बस हमें सूरज की सिमत की तरफ जाने का कहा था। कला भी ऐसे ही तलाश किया। हमने तुम्हें पैगाम भेजा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। मुझे पैगाम दिखाओ। आगे बढ़ो। या अल्लाह! खवातीन तैयार हो जाएं। कोई भी बचना नहीं चाहिए। दरवाजों की हिफाजत करो। ये दरवाजा जंग का दरवाजा है, ये बंद नहीं होना चाहिए। मैदान भादरों के लिए है और फतह याब भी हम ही होंगे।
अल्लाह अकबर। भाइयों, कितना करा हमारा है। हमला! बाला ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ उस्मान। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ ये जंग लड़ रही हूँ। मुझे भी खुशी है। बाला, देखो कैसे लड़ रहे हैं, देख रही हो ना? हाँ देख रही हूँ उस्मान साहब, मुझे पुराना वक्त याद आ गया, मगर आप इनसे ज्यादा तेज थे। क्या ख्याल है आपका? आज भी तेज है। वो काफी डर के मारे भाग रहा है, उस्मान सरदार को खबर दो। जनाब, कले का कमांडर फरार हो रहा है। लियो, वो कहीं भाग नहीं सकेगा। और हाँ, कोई ना बच पाए। जो हुकुम सरदार, सिपाहियों हर तरफ भेज जाओ। कहाँ की तैयारी है? मैं अकेला नहीं मरूंगा। अकेले ही मरोगे, लेकिन फिक्र मत करना, बहुत देर वहां अकेले नहीं रहोगे। जल्द ही तुम्हारे साथियों को भी रवाना कर दूंगा। बताओ जरा, इमरान तैगिन के मंसूबे क्या है? अगर तो सच बताओगे तो ही जिंदा रह पाओगे। ठीक है, रुको। मंसूबे के मुताबिक मदद के लिए बहुत से गिरोह आ रहे हैं, और वो सारे गिरोह केताई के सामने मुत्तहिद होंगे। तुम फरार नहीं हो सकोगे, वो सिपाही तुम्हें और अतरानों उसके मुहासरे को तबाह कर देंगे। हम लोग जो कहते हैं उस पर कायम भी रहते हैं, मगर तुमने धोखा देने की कोशिश की है।
अय माशाल्लाह, मेरे रब का शुक्र है, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। ए सर तस्लीम खम न करने वालों, मजबूत खलाई रखने वालों, खाई के जवानों, खाई के दिलेरों, खाई की बहनों, कुफार को उनके असल मकाम तक पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उन्हें गिरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है, हमने कोशिश की, ये भूलिएगा नहीं, तकदीर कोशिश को पसंद करती है। यही वजह है कि मेरे रब ने हमें किताए कला नसीब किया, उसकी नुसरत है, कोई भी जख्मी नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, हम यहां मेहमान हैं। किताए कला अब से गुंदू सरदार की मिल्कियत है। उस्मान सरदार, आप उन्हें तलवारें फरहाम करते हैं जिनके पास नहीं, बेसहाराओं को सहारा देते हैं, बेवतनों को वतन फराहम करते हैं। ये वाज़ह है कि हमारा मकसद एक है। अब से जो भी हदफ देंगे, मेरे सारे सिपाही आपके शाना बशाना साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सिपाहियों, बहादुरों, मेरी बहनों, निजामे आलम के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, जब तक जिस्म में रूह बाकी है, मेरे साथ मिलकर जंग के लिए सब तैयार है। हम बिल्कुल तैयार हैं, सब तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, सब साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Dismus. तुम यही रहोगे? शाम में फरार होने के लिए तुम्हें अफरा तफरी का इंतजार करना होगा। तुम क्या करोगे? उस्मान को मारूंगा। भाई आप? जख्म भर गया तुम्हारा? नहीं, कभी कभी दर्द उठता है। तुम्हारी जान सबसे ज्यादा कीमती है गुंजा, ये कभी मत भूलना, और अब कभी किसी की ढाल भी मत बनना। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है शहजादे? इजाजत है जय कुताई। शहजादे, उस्मान सरदार ने पैगाम भेजा है, किताए कला फतह हो गया है।